हेलो गाइस, आज हम जानेंगे केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन नोटिस 2022-2023 की एडमिशन क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है। अगर आप भी अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं और उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम टू माई चैनल माई पाठशाला बाई नीतू निगम। आई एम नीतू निगम और आज हम जानेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फर्स्ट की ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्लास फर्स्ट के लिए क्या रहेगी, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रहेगी क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास फर्स्ट की एज ग्रुप क्या है, इस साल क्लास फर्स्ट के लिए एज ग्रुप को चेंज किया गया है और क्लास फर्स्ट के ऑनलाइन फॉर्म में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट डेट कौन से डेट को रिलीज होगी, यानी जब आपने फॉर्म भर कर सबमिट कर दिया तो उसकी लिस्ट जो आएगी वो कौन से डेट पर आपको दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय संगठन पर लिखकर गूगल में जाकर इसे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ये हमने खोल रखी है तो चलिए उस पर हम चलते हैं। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है और इसके एडमिशन से संबंधित ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है। इसके ऑफिशियल नोटिस हम आपको बताते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल नोटिस, ये आ चुकी है। चलिए अब हम देखेंगे, ये एडमिशन नोटिस 2022-2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक ईयर 22-23 अनाउंस की जा चुकी है। इसके आप वेबसाइट, ये है वेबसाइट, इसका वेबसाइट आपको मैं जूम करके बता देती हूँ। ये देखिए वेबसाइट एड्रेस है kvsonlineadmission.kvs.government.in पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ से आप इसके सारे डिटेल्स दे सकते हैं और साथ ही यहाँ से आप ऑनलाइन क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इस बार जो है ऑफिशियल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को भी साथ में डाला गया है कि आप डायरेक्ट मोबाइल से भी क्लास फर्स्ट के एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए बाकी डिटेल्स हम देखते हैं इसके बारे में। तो प्रवेश के लिए जो है लास्ट वीक फरवरी 2000 क्लास फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होती है 28 फरवरी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी सुबह 10 बजे। यहाँ पर मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि टाइम का जरूर ध्यान रखें। जब कहा जा रहा है 10 बजे तो ऑनलाइन फॉर्म जो है 28 फरवरी को 10 बजे ही स्टार्ट होगी, उसके पहले आप ऑन करेंगे तो नहीं ओपन होगा। दूसरा, इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 21 मार्च 2022 मंडे शाम 7 बजे तक रहेगी। 7 बजे के बाद आपके कोई भी डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड या सबमिट नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस डेट का केयरफुली ध्यान रखें। अब हम इसके वेबसाइट पर जाते हैं और इससे डिटेल्स आपको हम बताते हैं। ये इसके वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में खोलकर इसके सारे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम हिंदी पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको हिंदी में भी यहाँ पर विस्तृत रूप से समझाया गया है। सबसे पहले सामान्य दिशा निर्देश पर हम कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। सामान्य दिशा निर्देश में यहाँ पर देख लीजिए क्लास फर्स्ट की ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। यहाँ पर सारे नियम से दिए गए हैं कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, पात्रता कौन से लोग हैं। तो भारतीय सिम कार्ड वाला एक मोबाइल नंबर इसके लिए चाहिए। आवेदन पत्र को सुचारू रूप से त्वरित भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें, अर्थात जिसको फॉर्म भरना है अपने बच्चों के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला, भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, एक वैध ईमेल पता, प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन, ध्यान दीजिए अधिकतम 256 KB साइज का ही होना चाहिए और JPG फाइल में अपलोड होना चाहिए, या साथ में बच्चे की प्रमाण पत्र का भी स्कैन होना चाहिए जो अधिकतम 256 KB का
या जेपीजी या पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। तो अब आपने देखा कि बच्चे क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन के लिए हमें सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 256 MB का होना चाहिए, और दूसरा जन्म तिथि यानी जन्म प्रमाण पत्र जो अधिकतम 256 KB जेपीजी या पीडीएफ में होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट ही आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। साथ में सरकार द्वारा ये जनरल के लिए लागू होता है, साथ ही सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर गरीबी रेखा से नीचे ये जो भी इसके अंतर्गत आते हैं तो उनसे संबंधित प्रमाण पत्र आपको डालना होगा। साथ ही माता पिता के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर का विवरण जिसकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया गया। अब हम जानते हैं आवेदन पत्र जमा करने के दो प्रमुख चरण शामिल हैं, अर्थात दो प्रोसीजर हैं, दो स्टेप रहेंगे। पहला पोर्टल का पंजीकरण करना, सफल रूप से पंजीकरण करने के बाद आपको एक लॉगिन कोड दिया जाएगा, उसे आपको लॉगिन करना है। ध्यान पूर्वक उस लॉगिन कोड को लिख लेना है अलग से। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा आवेदन भरना और जमा करना। उसके बाद पंजीयन करने के बाद लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों का चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आपको 3 विद्यालयों का नाम भी यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से 3 विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। आप प्राथमिकता देकर भी कर सकते हैं और बिना प्राथमिकता दिए भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं, और फिर बाद में एप्लीकेशन सबमिशन कोड पर जाके उसको ओके करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, फिफ्थ ए एंड बी दोनों चरणों को पूरा करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी। केवल चरण फिफ्थ ए को पूरा करने मात्र से आपका आवेदन KVS में जमा नहीं होगा, अतः दोनों प्रोसीजर को ध्यान से देखकर इसको कंप्लीट करना है। अब हम देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जो आप फिलअप करके देख सकते हैं। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके नीचे फॉर्म भरने के निर्देश दिए रहते हैं जिसमें मूल जानकारी आपको भरनी है। मूल जानकारी में ये सारे आपके आ जाते हैं कि बच्चे का प्रथम नाम क्या है, बच्चे का मध्य नाम क्या है, बच्चे की जन्मतिथि क्या है, क्या KVS कर्मचारी के बच्चे पोते या पोती हैं, दिव्यांग श्रेणी में तो नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट वापस आप जो है निर्देश से संबंधित दूसरा हम भर लेते हैं, लॉगिन करना है। लॉगिन कोड यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, बच्चे की जन्मतिथि भरना है और मोबाइल नंबर जो अभी मैंने बताया वो मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो मूल जानकारी हो गई, विद्यालय का चुनाव करना है, अभिभावक की जानकारी भरनी है, फिर दस्तावेज अपलोड करना है। दो जनरलों के लिए दो दस्तावेज लोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट 256 KB में। और इसके अलावा जो गरीबी रेखा से नीचे या SC ST और अदर्स कैटेगरी में आते हैं उनके प्रमाण पत्र अलग से हो जाएंगे, उसे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप दूसरे जनरल के अलावा दूसरी श्रेणी में आते हैं तो। उसके बाद घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना है। अब इसमें आप देख लीजिए, विद्यालय का चुनाव हो गया, दस्तावेज अपलोड हो गया, यहाँ से हम दस्तावेज अपलोड कर देंगे, और फिर लास्ट में घोषणा एंड फॉर्म जमा करना। फिर लास्ट में इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, घोषणा हमें करना है, इस तरह के फॉर्म में दिए रहते हैं, देखिए ये फॉर्म आवश्यक दस्तावेज करने के बाद इस तरह का कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैं अपना आवेदन पत्र भरने निर्देश घंटों पढ़ा समझा है और मैंने निर्देशानुसार ही आवेदन पत्र भरा है, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि दी हुई जानकारी सही है, मैं इस शर्त से सहमत हूँ कि उपयुक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा या बच्ची का केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पत्र अयोग्य होगा। अर्थात आपको जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरनी है वो सारे सही सही भरने हैं, और अपने मोबाइल नंबर भी खुद का ही देना है और ईमेल एड्रेस भी खुद का ही देना है, किसी रिश्तेदार का नहीं, क्योंकि कभी भी KBC स्कूल की तरफ से किसी एडमिशन से संबंधित कभी भी फ़ोन आपको आ सकते हैं। तो चलिए, घोषणा पत्र जमा करने के बाद आप सबमिट कर देंगे और इस प्रकार आपका यह फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसके एडमिशन के प्रोविजनल लिस्ट कब आएंगे, तो देखिए ये आपका है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट हो जाएगा। पहली लिस्ट आपकी आ जाएगी 25/3/2022 फ्राइडे को, दूसरी लिस्ट अगर सीट खाली रहता है तो सेकेंड लिस्ट आएगी 1 अप्रैल 2022 को इफ सीट रिमेन वैकेंट, अगर खाली रहता है तो। फिर थर्ड लिस्ट
8/4/2022 को 22 को इफ सीट रिमेन वैकेंट। ये स्थिति भी तब रहेगी जब सीट अगर खाली है तभी थर्ड लिस्ट आएगी, अदरवाइज थर्ड लिस्ट नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, उस पर हम वीडियो एक अलग से बना देंगे। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन अवश्य दबाएँ जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।